हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VOR यानी VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो कि एविएशन को सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं VOR, जिसका फुल फॉर्म होता है VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज। अब अगर आपको नहीं पता कि VHF क्या होता है, उसकी ऑपरेटिंग रेंज क्या होती है, उसका क्या काम होता है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो VHF की है उसको देख सकते हैं। ठीक, VOR जो होता है वो एक ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है। अब ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसका एक पार्ट ग्राउंड पर होगा और दूसरा पार्ट हमारे एयरक्राफ्ट में होगा। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ग्राउंड पे होते हैं और रिसीवर जो होगा वो एयरक्राफ्ट में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। VOR की जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो होती है 108 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 117.9 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और इनके बीच की जो चैनल स्पेसिंग होती है, मतलब दो VOR के बीच की जो चैनल स्पेसिंग होती है वो 50 किलोहर्ट्ज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और इसी कारण से एक VOR दूसरे VOR के ट्रांसमिशन में मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है, अब क्योंकि VOR भी VHF फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है, इसलिए ये भी एक शॉर्ट रेंज नेविगेशन एड है। ठीक है, जिसका रेंज 25 नॉटिकल माइल से लेकर के 140 नॉटिकल माइल होता है। किसी किसी VOR में ये 200 नॉटिकल माइल्स तक का भी हो सकता है। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये भी एक लाइन ऑफ साइट ही ट्रांसमिशन देगा, क्योंकि ये VHF पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसका जो ग्राउंड बेस्ड पार्ट होता है वो सिंपल एंटीना होता है। ठीक है, बट जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, या फिर कह लें मॉडर्न VOR जितने भी आजकल लग रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं, उसमें सिंपल VOR का यूज़ नहीं किया जाता है। उसमें VOR के साथ DME मींस डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट का भी यूज़ किया जाता है। अब दिमाग में आता है कि आखिर डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता क्या है। तो ये जो डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, इसका काम ये होता है कि जब आप VOR की तरफ जा रहे हो या VOR से दूर जा रहे हो, तो आपको ये बता सके कि आखिर आप VOR से कितनी दूर पर हैं। एट प्रेजेंट आप VOR से कितनी दूर पर हैं, तो ये आपने जान लिया कि आखिर DME का क्या काम होता है। DME काम कैसे करता है ये मैं आपको बता दूं। DME क्या करता है, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जो हमारे एयरक्राफ्ट में रिसीव होता है। जितना टाइम उस सिग्नल को रिसीव होने में लगता है, उस टाइम को कैलकुलेट करके वो डिस्टेंस बताता है कि आखिर हम उस VOR से कितनी दूर पे हैं। इतना सिंपल सा इसका प्रोसेस है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो एक बना देंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर VOR का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जो VOR होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक ग्राउंड बेस्ड होता है, एक एयरक्राफ्ट में लगा होता है। जो ग्राउंड बेस्ड पार्ट होता है वो आपको जैसे फिगर में दिख रहा है ऐसा होता है, और ये पार्ट क्या करता है, दो सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट करता है। अब दो सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट करने का क्या वजह है, इसलिए क्योंकि एक सिग्नल जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, मतलब एक डायरेक्शन में हमेशा रहता है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में लाई करता है, और उस डायरेक्शन को हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जो दूसरा सिग्नल ये ट्रांसमिट करता है वो इसी मैग्नेटिक नॉर्थ के अराउंड रोटेट करती है, पूरे 360 डायरेक्शन में ये रोटेट करती रहती है। अब कोई भी एयरक्राफ्ट कहीं पर भी हो, जैसे वो इस VOR की रेंज में आ जाता है, वो इन फ्रीक्वेंसीज़ को रिसीव करने लगता है। जैसे ही वो इन फ्रीक्वेंसीज़ को रिसीव करने लगता है, वैसे ही उसे एयरक्राफ्ट की लोकेशन का पता चल जाता है कि आखिर आपका एयरक्राफ्ट VOR से किस डायरेक्शन में है। और क्योंकि इसके साथ साथ DME भी लगा होता है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम उस VOR से दूर कितने हैं। ठीक है, एक खास बात और होती है, जो DME का फ्रीक्वेंसी होता है ये VOR की फ्रीक्वेंसी के साथ पेयर्ड होता है। मतलब जैसे ही हम VOR की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, अपने आप मीन्स ऑटोमेटिकली ही DME की फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, एयरक्राफ्ट VOR टू VOR फ्लाई करते थे, मतलब एक VOR से चलते थे वो दूसरे VOR तक पहुंचते थे, फिर उस VOR से चलते थे अगले वाले VOR पर पहुंचते थे, इस तरह से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे। बट आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं करते, आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट वे पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। वे पॉइंट कहने का क्या मतलब है, ये VOR टू VOR ना होकर के, बल्कि इनके बीच की सिंपलेस्ट मतलब एकदम मिनिमम वाली डिस्टेंस में होते हैं, और ये वे पॉइंट्स किसी ना किसी VOR के रिप्रेजेंट में होते हैं, किसी ना किसी VOR के आसपास होते हैं। तो आज का जो रिसीवर होता है वो इतना हाईली एडवांस होता है कि वो इन सिग्नल्स को रिसीव करके ये बता सकता है कि एट प्रेजेंट आप किस पोजीशन पे हैं, और इस तरीके से आज का मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट VOR। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो थी वो कम्युनिकेशन और नेविगेशन प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो थी। अब जो हम वीडियोस बनाएंगे वो बनाएंगे एयरक्राफ्ट की एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन पर, तो अगली वीडियोस देखना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।